स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi 8A की। ये है वो बॉक्स और ये है Xiaomi की तरफ से आने वाला सबसे किफ़ायती फ़ोन। तो देखते हैं इसके कुछ खास फीचर और करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। आप देखिए वीडियो को एंड तक। हैप्पी 71st रिपब्लिक डे। बॉक्स पे कुछ मेन फीचर्स लिखे हुए हैं। क्वालकॉम ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। और बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है वो ये सपोर्ट करेगी। उसके अलावा 12 MP का AI लार्ज म्यू पिक्सल 1.4 MP वाला कैमरा मिल जाएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाएगा। और उसके अलावा वायरलेस FM भी हमें मिल जाता है, मेड इन इंडिया है, 3GB 32GB स्टोरेज है और स्क्रीन साइज़ है वो है 6.2 इंच से कॉम्पैक्ट फ़ोन होने वाला है। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन की सील है वो ब्रेक और देखते हैं फ़ोन को बूट करके। सबसे पहले हमें मिलता है ये एक सेक्शन और इसके अंदर हम देखना चाहेंगे हमें क्या मिलता है, सिम इजेक्टर टूल और उसके अलावा ये कुछ प्रेम पत्थर जो हमारे किसी काम के नहीं है, इनको रखते हैं साइड में। उसके बाद में देखते हैं ये है हमारी मेन यूनिट। थोड़ी सी हैवी ज़रूर लगती है 5000 mAh बैटरी के कारण। और बाकी अगर फ़ोन के नीचे हम देखें तो ये हमें मिल जाता है एक स्टैंडर्ड चार्जर 2 एम्पियर का जो कि है 10 वाट पे का चार्ज करेगा, लेकिन फ़ोन है वो 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये हमें मिल जाती है टाइप सी केबल, बिल्कुल ये है एक टाइप सी केबल जो कि है काफ़ी कमाल की बात। बॉक्स में कुछ और हमें मिलता नहीं है। तो अब चलते हैं हम हमारी मेन यूनिट की तरफ और ये है इसका एक प्लास्टिक रैप, इसको उतारते हैं हम। अगर फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे नीचे हमें मिल जाती है रेडमी की ब्रांडिंग। और ये जो है 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले है जो कि है गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड और P2i कोटिंग के साथ आती है। तो थोड़ा सा पानी अगर चला जाए तो उसमें भी ये पानी को रोक सकती है। ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है ये एक 8 MP का सेल्फी कैमरा और इसके ऊपर मिल जाता है हमें यहाँ ये ईयर पीस। अब अगर फ़ोन के हमें राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में ये वाला मिल जाता है हमें पावर लॉक अनलॉक बटन। ऊपर की तरफ मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन्स। फ़ोन के अगर टॉप साइड की बात करें तो यहाँ मिल जाता है हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइज़ कैंसलिंग के लिए। अगर फ़ोन के हम लेफ्ट साइड की बात करें तो क्लीन है पूरी तरह से छोड़ के इस सिम ट्रे को, और सिम ट्रे आती है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ में, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अब फ़ोन के बात करते हैं हम अगर बॉटम साइड की तो यहाँ हमें सबसे पहले मिल जाता है 3.5 mm जैक, उसके बाद में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और राइट साइड में मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। अब अगर हम फ़ोन के पीछे की बात करें तो पीछे की साइड है ये बनी है पूरी पॉलीकार्बोनेट से और आवाज़ आती है कुछ ऐसी और एकदम स्लिपी बिल्कुल भी नहीं है ये, तो ग्रिप है वो अच्छी होने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन बाय Xiaomi, रेडमी की ब्रांडिंग है, LED फ्लैश के साथ 12 MP का AI कैमरा दिया गया है। अब करते हैं हम फ़ोन को बूट और देखते हैं इसमें कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन दिया गया है और क्या क्या और इसके मेन फंक्शंस हैं, कैसा इसका कैमरा का टेस्ट रहता है वो हम बिल्कुल चेक करेंगे। अभी फ़ोन हो चुका है हमारा बूट और सबसे पहले जाते हैं हम इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग में जाने के बाद में अबाउट फ़ोन जाते हैं। अबाउट फ़ोन में हम देखेंगे डिवाइस नेम तो रेडमी लिखा हुआ है लेकिन मॉडल है वो है रेडमी 8A, एंड्रॉयड वर्जन 9 Pie और सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 9वें महीने का सितंबर का, और MIUI 10.3.3 स्टेबल इसमें वर्जन है। 3GB की रैम है, 20GB है वो अवेलेबल स्पेस है 32GB में से, थोड़ा सा ये कम है, 23-24GB के आसपास अवेलेबल होता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये तो हो गई इसके इनर फंक्शंस। अब हम बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें फेस अनलॉक मिलता है। फेस अनलॉक मैं अभी इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैंने इनरोल किया हुआ है और देखते ही क्लिक हो गया। कंटिन्यूसली मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, हल्की सी लॉक स्क्रीन आती है, हल्की सी एक लॉक स्क्रीन आती है लेकिन क्विकली ओपन हो जाता है, तो ये कुल मिला के एक अच्छी बात है। और जो प्राइस है इसकी 2GB और 32GB वाले वेरियंट की प्राइस है वो 6500 रुपये, और 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ अगर हम लेना चाहें तो उसकी प्राइस होगी 7000 रुपये। बात करते हैं इसके कैमरा की, कैमरा सेटअप हम देखते हैं कैसा है। तो हमें पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, तो हमें ये सारे इसमें कुल मिला के प्रो मोड भी मिल जाता है, तो ये एक ठीक बात है।
अभी मैं इससे बनाता हूँ एक छोटा सा वीडियो और कुछ फोटोज़ हैं वो कैप्चर करता हूँ और वो दिखाता हूँ आपको। आप उसमें इसकी क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिए आगे तक। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैं शूट कर रहा हूँ रेडमी 8A से। क्वालिटी है वो कुल मिला के ठीक ठाक है, और 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है वो ठीक ठाक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये फोटो मैंने कैप्चर की है रियर कैमरा से, जो कि दिखने में ठीक ठाक है। ये मैंने सेल्फी मोड में पोर्ट्रेट लिया है, और ये विदाउट पोर्ट्रेट एक मैंने फ़ोटो ली है। ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।